कि माँ बच्चे को डांटती है, बाहर निकाल देती है, और उसके बाद जो है जूम करो जी, क्या लिखा हुआ है, शुक्र गुजारी एसी के लिए है। क्या खुशी नहीं हुई आप लोगों को? बदलने वाले एक मिनट में बदल जाते हैं, और ना बदलने वाले सारी जिंदगी नहीं बदलते। जिन्होंने कुछ करना है वो कर देते हैं, और जिन्होंने कुछ नहीं करना वो सिर्फ सोचते रहते हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं। तू बैठा रहे, क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो जेन्युइन मदर जो होती है उसके अंदर खुदा की तरफ से एक मोहब्बत होती है, और वो कभी भी अपने बच्चे को दिल से नहीं डांटती है, दिल से कभी भी दिल से नहीं डांटती है। इतना प्यार लाड माँ करती है, और साथ साथ तालीम देती है, क्योंकि पहली यूनिवर्सिटी है, और खूबसूरती माँ बाप के साथ है, गर्व की खूबसूरती माँ बाप के साथ है। माँ बाप आपकी जिंदगी का हुसन है, माँ बाप आपकी जिंदगी की खूबसूरती हैं, माँ बाप हैं तो आपकी खूबसूरती है। वो ब्रदर बैनम ने एक मैसेज दिया सुपर साइन के अंदर या सुपर सेंस के अंदर, आप पढ़ लेना। ब्रदर बैनम कहते हैं एक माँ थी और उस माँ की बेटी अंदर बैठी हुई थी, वो बाहर कपड़े अब फुलाने गई थी, सुखाने गई थी, और जैसे ही वो आप कपड़े सुखा रही थी तो पीछे मुड़ के देखा घर को आग लग गई, और जैसे ही घर को आग लग गई वो माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय मेरी बेटी अंदर है, हाय मेरी बेटी अंदर है, कोई बचाए, कोई बचाए। लोग आ रहे थे, कोई कहता मैं पानी लेकर आता हूँ, कोई कहता मैं फायर को फोन करता हूं, कोई कहता मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, लेकिन आग बढ़ती जा रही थी। ब्रदर बैनम कहते हैं आखिरकार मां ने कहा मैं अपनी बेटी को बचाऊंगी। ब्रदर बैनम कहते हैं मां ने छलांग लगा दी अंदर, और जब अंदर छलांग लगाई और अंदर जाकर जिस कमरे में बेटी थी वहां तक पहुंची और बेटी को अपने गले से लगा लिया, अपने सीने से लगा लिया, और बाहर लेकर आई, और जब बाहर लेकर आई तो वो खुद जल गई, चेहरा जल गया, इलाज करवाया गया। डॉक्टर ने कहा अब सारी जिंदगी आप इसी तरह बदसूरत रहेंगी, अगली रहेंगी, आपके चेहरे का कुछ नहीं हो सकता है। सॉरी, जवान जवान माँ थी, शी वॉज अ यंग मदर, लेकिन अपनी ब्यूटी अपनी खूबसूरती उसने अपने बच्चे पर निशावर कर दी। आज कितनी माएं हैं, बाप जब शादी होती है तो बाप जो है बाप सख्त हो जाता है, जैसे ही बच्चा होता है तो माँ जो होती है वो देख ले हर फोरम पे वो लड़ाई लड़ती है कि बच्चा मेरे साथ रहना चाहिए। क्या बाप का नहीं होता? होता ही बाप का है, होता ही बाप का है, बीज उसी का होता है। माँ के अंदर पता नहीं खुदा ने क्या डाल दिया है, अपनी समझ से बाहर है। हर फोरम पे अपनी जवानी, अपना हुसन, अपना काम, अपना काज, अपनी शोहरत, अपनी इज्जत, सब कुछ अपने बच्चों के लिए दांव पर लगा देती है एक जेन्युइन मदर। ब्रदर बैनम कहते हैं वो माँ काम करती रही अपने अगली सूरत के साथ, और जाकर वो जो है अपनी बच्ची को उसने पढ़ाना शुरू किया, स्कूल में भेजा, फिर कॉलेज में भेजा, फिर यूनिवर्सिटी में भेजा, फिर दूसरे शहर में चली गई, और जब वो दूसरे शहर में पढ़ने चली गई वहाँ उसकी रूममेट बन गई, सहेली बन गई, और काफ़ी आज जब उसने छुट्टियाँ हुई, गर्मियों की छुट्टियाँ हुई, उसने कहा चलो हमारे गांव में चलते हैं, वहाँ छुट्टियाँ गुजारेंगे, और माँ को एक लेटर लिखा, माँ तेरी बेटी आ रही है और मेरे साथ मेरी सहेली भी है। माँ को इतनी खुशी हुई कि वो जिस दिन ट्रेन ने आना था स्टेशन पे माँ वहाँ चली गई, और जब माँ वहाँ पर चली गई तो वहाँ पर इंतज़ार कर रही है, और जैसी ट्रेन से उतरी दोनों लड़कियाँ, बेटी भी और उसकी सहेली भी, जैसी ट्रेन से उतरी और आगे
एक औरत खड़ी हुई थी और उसकी सहेली ने उसकी तरफ देखा और वो डर गई. उसने कहा, शी इज अ वेरी अगली, आई कैंट सी हर. हो ये कौन है? उसकी बेटी ने देखा, उसने पता नहीं कौन है. ओए मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए जो माँ बाप का एहतराम भूल जाए. मुझे ऐसी पढ़ाई नहीं चाहिए जो माँ बाप की इज्जत भूल जाए. मुझे ऐसी तालीम नहीं चाहिए जो माँ बाप की शक्लो सूरत भूल जाए. मुझे ऐसा इल्म नहीं चाहिए. मुझे वो तालीम चाहिए जो मेरी माँ ने मुझे दी, जो मेरे बाप ने मुझे दी. ए मेरे बेटे, ए मेरी बेटी, अपने बाप और अपनी माँ की तालीम को ना छोड़. ये यूनिवर्सिटी ने दिमाग तेरा खराब कर दिया. अब वो क्या कह रही है? मेरी सहेली क्या बोलेगी? तेरी माँ ऐसी है, बदसूरत है, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया. ओए होए 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 होए, अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया. माँ ने पहचान लिया, माँ के आंसू जारी हो गए, बेटी के पीछे भागी और जैसी वो बेटी आगे जाने लगी, स्टेशन मास्टर आ गया. स्टेशन मास्टर उनके गांव का था, उसको सारी कहानी पता थी. ब्रदर बैनम कहते हैं स्टेशन मास्टर ने आकर उस लड़की को पकड़ा. उसने उस लड़की की बेइज्जती की. उसने कहा, तू अच्छी बेटी नहीं है, तू अच्छी औलाद नहीं है, तू आज उस माँ को भूल रही है. आज तू खूबसूरत है तो उसकी वजह से है. वो कहानी भूल गई है. मैं भी वहीं पर था कि ये बदसूरत हुई है तो तुझे खूबसूरती मिली है. इसकी खूबसूरती, इसने तेरे लिए अपनी खूबसूरती कुर्बान कर दी और आज तू खूबसूरत है तो अपनी माँ की वजह से है. और तू आज अपनी माँ को पहचान नहीं रही. नहीं, बुढ़ी हो गई है, दिमाग इसका घूम गया है, इसका दिमाग बच्चों वाला हो गया है. ओए बच्चे ही मन के सच्चे होते हैं. नहीं पकड़ी बात? समझ लगी है? माँ बाप बूढ़े हो गए ना, इनका दिमाग बच्चों जैसा हो गया है. बच्चे ही मन के सच्चे हैं तो अच्छा होगा ना, बच्चों जैसे हो गए हैं तो. क्या सब कहेंगे हालेलुया? तो उस मास्टर, स्टेशन मास्टर ने कहा कि ये तेरी माँ है, इसकी वजह से तेरी खूबसूरती चली गई है और इसकी वजह से आज तू खूबसूरत है. और फिर उसने अपनी माँ से सॉरी की. ब्रदर बैनम कहते हैं अगर हम यशायाह की किताब उसका 53 बाब पढ़े तो लिखा हुआ है उसका कोई हुस्न जमाल नहीं, उस पर कोई खूबसूरती नहीं कि हम उस पर निकाह करें. वो बदसूरत बन गया ताकि मैं और आप खूबसूरत बन सकें. वो गुनाकार बन गया ताकि हम रास्तबाज बन सकें. आप बताएं मुझे, मां की तालीम को, मां की तालीम को. सियाने कहते हैं नई नई शादी होती है ना तो बीवी को मारना नहीं, मारना नहीं, मैं इसकी टांग तोड़ दूंगा. ओए तू किसी जंग में हिस्सा ले लेता, शादी क्यों की है तूने? मैं इसका बाजू तोड़ दूंगा. ओए तू रेसलिंग में हिस्सा ले लेता, तू गलत जगह पे आ गया. इसकी टांग, इसके बाजू जो है ना वो तोड़ने के लिए नहीं है. समझ लगे आपको? तो अक्सर नौजवान ऐसा करते हैं, करते नहीं करते? नई नई शादी तो वैसे ही जल्दी समझ में नहीं आती, जल्दी नहीं समझ में आती. 5 साल गुजार गए तो फिर शायद वो बात पल्ले पड़ जाए. ओए बीवी को मत मारना. बीवी को, एक बुजुर्ग जो है ना जवान लड़के को नसीहत कर रहा था, बीवी को मत मारना. मारना भी दो किस्म को होता है. एक नफसियाती मार मारते हैं, वो डंडे से ज्यादा टेंशन वाली जबरदस्त खतरनाक है. नफसियाती मार पता है ना, आस्ता आस्ता वो सुख दी जाती है. तो तिला क्यों दी जा रही है? ये नफसियाती मार होती है जो बातों से मारते हैं.
जो ताने मेने दे के मारते हैं, जो उसको ये सुनना पड़ता है तू ले आई किस है, ओए जो वो लाई है ना तुझे पता ही नहीं है, तेरी नस्ल लेकर आई है, तेरी बरकत लेकर आई है, तेरी औलाद लेकर आई है, तेरा खानदान लेकर आई है, तुझे पाप बनाने आई है। जो वो लेकर आई है ना, मुझे बताओ बगैर शादी को बाप बन सकता है? ओए डुब के मर जा, तेन पता ही कौन नहीं, तुझे इतना रुतबा देने आई है। बातें करते हैं, जिनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं ना होता वो ऐसी बातें करते रहते हैं। समझदार लोग हमेशा बैठकर तरक्की की बात करेंगे, बरकत की बात करेंगे, बिजनेस की बात करेंगे, ब्लेसिंग्स की बात करेंगे, और जो गरीब गुरबा, समझ लग गई है, नकाम लोग हैं, वो बैठकर सिर्फ दूसरों की बातें करेंगे। वो वेख्या से उन्हें कड़े कपड़े पाए सर, वो तू कपड़े देख रहा है, मैं कपड़े की दुकान खोलने की सोच रहा हूँ, तू कपड़े देख रहा है, मेरे से अब बिजनेस की बात कर, तरक्की की बात कर, समझ लग गई है फर्क है। अब मेरी गरीबी में सिर्फ सोच का फर्क होता है, पैसे वैसे का कोई चक्कर नहीं होता है, सोच का फर्क होता है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो उसने नौजवान से कहा, ओए इधर आ, शादी, हाँ मेरी शादी है, कब है? जून जुलाई में। वो जून जुलाई जिते हाथ भी ना लावी, इन्नी गर्मी है, हाँ मारना नहीं, लेकिन जब भी मारे तो बांध के मारना। वो बीवी को जब भी मारे बोलो दे सही, बीवी को मारना नहीं, जब भी मारना बांध कर मारना, उसकी खोपड़ में ये बात नहीं पड़ी। क्या मतलब, क्या मतलब है? उसको पहले कमरे में बंद करूं, फिर रस्सियों से उसको बांधूं, हाथ पांव बांधूं और फिर उसको मारूं? ओए सबर कर, इधर आ। बांध के मारने का ये मतलब है कि जब तक उसकी, जब तक वो मां ना बन जाए, जब तक वो मां ना बन जाए, जब तक उसका बेटा ना हो जाए, जब तक उसकी बेटी ना हो जाए, हाथ मत लगाना वरना तेरे हाथ तोड़ देगी। तू क्या समझता है? लेकिन जिस दिन वो औलाद के बंधन में बंध गई, जिस दिन वो बेटे के बंधन में बंध गई, जिस दिन वो बेटी के बंधन में बंध गई, वो ऐसी बंधेगी कि तू उसे जितना भी मारेगा वो अपने बच्चों की खातिर जिंदा रहेगी, वो अपने बच्चों की खातिर जिएगी, वो अपने बच्चों की खातिर बर्दाश्त करेगी, वो अपने बच्चों की खातिर मेहनत मुशक्कत करेगी, वो अपने बच्चों की खातिर। माँ जब बन जाती है ना, औरत बंध जाती है भाई। कई मरतबा आपने सुना होगा, तेरे वर्गे बंदे ना गुजारा बड़ा मुश्किल सी, मैं ते सिर्फ अपने बच्चियां दी वजह तो रहने। क्या कमाल चीज है माँ, जब कोई माँ बन जाती है तो वो बंध जाती है। हालेलुया। तो बांध कर मारने का ये मतलब है, लेकिन हम तो कहते हैं मारने ही नहीं, मारने नहीं। बीवी को मारा, खुद को मारा, एक बराबर। बीवी को जलील किया, अपनी बेइज्जती की, एक बराबर। जो कुछ किया बीवी के साथ, क्योंकि बाइबल कहती है तुम दो नहीं बल्कि एक हो, अपने साथ ही कर रहे हो, अपने साथ ही कर रहे हो। और अपने आप को नुकसान सिर्फ वही पहुंचाता है जिसका ज़हनी दिमाग जो है ना, ज़हनी तवाज़ुन ठीक ना हो, या बुरी रूह का साया हो, या पतरू ऊपर, या बोलो तो सही ना, हाँ बुरा अपने आप को तो वही मारेगा ना। मुझे बताएं, जब किसी में बदरू आती है, हमने बदरू है निकाली है, जिन निकाले हमें पता है, जब बदरू आती है तो वो अपने आप को नुकसान देती है, देती है नहीं देती? अपने आप को नुकसान वही देगा जिसमें डीमन होगा, जिसके अंदर सेटन होगा, जिसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं होगा। और ब्रदर बहनम कहते हैं जो औरतें आधे कपड़े पहनकर घूमती हैं उनका भी दिमाग लगता है खराब है।
या उन पर बुरी रूह का साया। तो कैसे, माँ जब बन जाती है तो वह बंधन में बंध जाती है। क्या करूं, मैंने ऐसी माएँ देखी हैं जो रोटी के टुकड़े के लिए घर घर जाके काम कर रही हैं, शोर निकम्मा है। हाला शोर भी बाप बनता है, शोर भी बनता है, जिम्मेदारी उसकी है। औरत तो घर की मलका होती है भाई, रानी होती है, शोर बादशाह होता है। लेकिन सिर्फ बच्चों की खातिर क्या करती है वो, घर घर में जाके काम करती है नहीं करती, मेहनत मशक्कत करती है नहीं करती, करती है। उनसे पूछो, बहन आपका शोर काम नहीं करता, नशा करता है, काम नहीं करता है, जरूरत पूरी नहीं करता है, तो क्या करूं, छोटे छोटे बच्चे उनको भी तो पालना है। तो जब माँ बन जाती है तो वो बंध जाती है। इसीलिए माँ के अंदर कोई खास चीज रखी है खुदा ने कि तू अपनी माँ की तालीम को छोड़ना नहीं छोड़ना। एक नौजवान बेटी की शादी हो गई, खूबसूरत नौजवान बेटी, लाडली, अपने घर की लाडली, स्वीट हार्ट। बाप ने सब कुछ लेकर दिया, माँ ने सब कुछ लेकर दिया, और जब वो बेटी जवान हुई, माँ बाप ने शादी कर दी, सुबह 10 बजे उठती थी, एसी रूम, एवरीथिंग, शी हैड एवरीथिंग। माँ ने कहना, पुत्र, बेटी को पुत्र कहते हैं, बेटे को कभी पुत्री नहीं कहते, वो इस लायक ही नहीं होते। हाँ, लायक हो तो फिर लायक हो जैसे काम करे, जो है सो है, जो नहीं है मैं उनकी बात कर रहा हूं। पुत्र, तेरी शादी होने वाली है, माँ कहती है, और मैं तुझे तालीम देती हूँ, तरबियत देती हूँ, बेटा जल्दी उठना सीख ले, मैं तो तेरी माँ हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, डैडी भी बर्दाश्त कर लेता है, भाई थोड़े चीखते चिल्लाते हैं, आप इसके लाड़ देखते रहते हैं, इसको सोने देते हैं, इसकी हर बात मानते हैं, लेकिन बेटा जब दूसरे घर जाएगी ना तो तेरी सास बर्दाश्त नहीं करेगी, नंदे बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तू आदत डाल अपनी, क्या कर अपने आप को, जल्दी उठने की, जल्दी उठने की। ठीक है मामा, ठीक है, आई विल ट्राई टू माई बेस्ट मामा, मैं कल कोशिश करूंगी, कल फिर 10 बजे ही। ए बेटा, तुझे बोला था तेरी शादी होने वाली है, फिर अगले दिन फिर 10 बजे, फिर एक हफ्ते बाद फिर वही टाइम, फिर 2 महीने बाद वही टाइम, फिर 1 साल गुजर गया वही टाइम। बेटा मैंने तुझे बोला था अपने आप को सीधा कर ले, शादी हो गई, बैंड बाजे बज गए, शहनाई बज गई, रुखसती हो गई। पुत्र, वहां देर से मत उठना, जल्दी उठना। लेकिन क्या करें, घर में माँ बाप ने इतनी आजादी दी हुई थी, बेटी की आदत जल्दी बदलती नहीं है। देखें, अच्छी आदतें बनानी पड़ती हैं और बुरी खुद बन जाती हैं, समझ लगी है, अच्छी आदतें बनानी पड़ती है और बुरी खुद बन जाती, तो अच्छी बनानी पड़ती है। चली गई शादी हो गई, आगे कोई बंदा भी मेरे वर्गा शरीफ मिल गया, यही हफ्ता गुजरा 10 बजे, कोई बात नहीं, नई नई शादी हुई है, सास ने कहा कोई बात नहीं, 1 महीना गुजर गया, वही 9-10 बजे, सास ने बुलाई, इधर आ बेटा, इसको बोल यहां जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी तो जल्दी उठ। उसने जाग कहा, बेगम
बेगम, मैं आपसे प्यार करता हूँ, मेरी माँ ने कहा है कि जल्दी उठा करो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी। हफ्ता गुजर गया, फिर वही रूटीन। फिर माँ ने कहा, बेटा अपनी बीवी को समझा। अच्छा, अच्छा तरीका यही है कि माँ बेटे को बोले। डायरेक्ट बहू पे लीडरशिप जमाने की जरूरत नहीं है। तू अपने बेटे को तालीम दे, तेरा बेटा आगे दे, यही तरीका है ना। तो बेटे को उसने कहा, बेटा फिर गया और कहता, बेगम अब सच्ची मुची बेगम ही कह रहा थी, बेगम बस अब बहुत हो गया, चेंजिंग आनी चाहिए। आप जो है वो 10 बजे उठा करो, 10 बजे की बजाय सुबह 7 बजे उठा करो, 6 बजे उठा करो। हफ्ता गुजर गया, फिर 10 बजे। अब क्या करें, कोई हम, मैंने तो अपनी मिसाल इसलिए दी, मैं तो बर्दाश्त कर लूँ, जो बर्दाश्त नहीं करता माँ की बातों में आके बोलेगा, इस बीवी को मैंने रखना ही नहीं है। तू सब्र कर ले, तू सब्र कर ले, तुझे जिस जगह पे मैं लेकर जाऊँगा ना, तेरा 14 तबक रोशन हो जाएंगे। सब्र करना सीख ले। ये नए नए जो शादीशुदा लड़के होते हैं ना, इनमें सब्र नहीं होता है, इनमें बर्दाश्त नहीं होती है, ये जल्दबाज बहुत होते हैं, ये लाइलक बहुत होते हैं। लाइलक दा पता, जिन्हें लाई गली। समझ लगी है? तू सब्र कर ले। वो बेटी अपने घर में लाडों से पली हुई थी। एक लड़की जो होती है ना, एक लड़की जब शादी करते हैं उसकी, जब वो बीवी बनती है, तो आपको पता है उसको खाली शोर नहीं चाहिए होता है, उसको शोर के अंदर अपना बाप भी चाहिए होता है। और जिस शोर के अंदर ये सिफ्त भी हो बाप जैसी, वही अपनी बीवी को खुश रख सकता है, वरना कोई दुनिया का माई का लाल खुश नहीं रख सकता। क्योंकि दुनिया में कहते हैं, जब तक बाप जिंदा ना, बेटी राज करती है। शोर जो है उसके अंदर बाप की फितरत सिफ्त होनी जरूरी है, क्योंकि वो एक बाप को छोड़कर आ रही है। तुझे अब उसकी डबल टेक केयर करनी है, तू उसका शोर भी बनना है और बाप की कमी भी पूरी करनी है। जब निकाह होता तो बाप अपनी बेटी का हाथ लड़के के हाथ में पकड़ा था। क्या मतलब है, मतलब क्या है इसका? साढ़े थे पड़े, पता नहीं बाप कितने पीछे सुता हूं दावे, पता ही को नहीं है। बाप लेकर आता है बेटी को, ये बाइबल का नमूना है। आदम के पास हवा को कौन लेकर आया? बाप, खुदा। आदम पर गहरी नींद डाली, उसकी पछली एक पछली निकाली, वो बीवी बनाई, तो कौन लाया? क्या मतलब था इसका? इसका मतलब ये होता है कि आज के बाद मेरी जिम्मेदारी भी तुझ पर और तेरी जिम्मेदारी भी तुझ पर। सा ले लो, शुक्रगुजारी आई है इसी के लिए। शुक्रगुजारी, तालियां बजाएं भाई यूसुफ के लिए। आज से शुक्रगुजारियां बदल दी हमने सर, हमने देख की जगह पर 40-50 हजार का खाना बनता है शुक्रगुजारी। आज के बाद हमने सोचा है कि लड्डू पेड़े अब खुदा को नहीं चाहिए, शुक्रगुजारी बढ़ाओ। अब शुक्रगुजारी में पंखे दिए जाएंगे, अब शुक्रगुजारी में एसी दिए जाएंगे, अब शुक्रगुजारी में बड़ी चीजें दिए जाएंगे। कैसे नहीं एसी लगता? पाजी साहब एसी लगवा, मैं लगवाना है, सब नहीं लगाना, मिलजुल के लगवाना है हमने। ये खुदा का घर है, हम उसके घर को जितना अच्छा बनाएंगे वो हमारे घर को उतना अच्छा बनाएगा। इसलिए जिन्होंने नेक्स्ट शुक्रगुजारियां सोची हुई है ना, 40-50 हजार की देख देने की बजाय एसी ले आओ। सीधा कह रहा हूं मैं, क्या सब कहेंगे आमीन? हालेलुया, आगे चले।
बस खत्म कर रहा हूँ, आखिरी बात है, ये एंड है। बातें तो बहुत हैं, बातें तो बहुत हैं, लेकिन इसको मैं ख़त्म करता हूँ। अभी तो बहुत सारी, लेकिन माहौल, गर्मी, एवरीथिंग, इसको देखना है। तो क्या हुआ, लड़की की आदत, शोर बर्दाश्त करता रहा, खुदा ने उसको सब्र दिया, समझ दी, सास भी कहती रही, माँ भी कहती रही, बाप भी कहता रहा, शोर भी कहता रहा, लड़की की आदत नहीं बदली। एक साल गुजरा, कितना, एक साल गुजरा, खुदावन ने उस बेटी को बरकत दी और वो माँ बन गई। और जब वो माँ बन गई, सुबह 5 बजे बच्चा रोता था, सुबह 4 बजे बच्चा रोता था, सुबह 6 बजे बच्चा रोता था, तू तो 10 बजे उठती है, तू तो 10 बजे, आज 5 बजे कैसे, आज तू 6 बजे कैसे, आज तू 7 बजे कैसे। सिर्फ माँ बनने दो, सोच ही बदल जाएगी, फितरत ही बदल जाएगी, आदत ही बदल जाएगी, बिहेवियर ही बदल जाएगा, नींदें उड़ जाएंगी, सब कुछ बदल जाएगा माँ बनने के बाद। माँ बनने के बाद वो बेटियाँ जो अपनी जवानी में अपनी नाक पर मक्खी नहीं बैठने देती थी, ओए होए, बच्चों के पीछे रुल गई हैं, रुल गई हैं। और जैसे ही वो माँ बनी, ऑटोमेटिकली उसकी आदत भी, सुबह उठने की आदत, जो शोर नहीं बदल सका, जो माँ नहीं बदल सकी, जो बाप नहीं बदल सका, जो सास नहीं बदल सकी, जो ससुर नहीं बदल सका, वो जैसे ही माँ बनी, खुदा ने उसे बदल कर रख दिया। इसलिए कभी कभी थोड़ा सब्र कर लिया करो, 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, सब्र कर जो, बदल जाएंगी आदतें। सिर्फ उसको माँ बनने दो, क्योंकि जब कोई भी दुनिया में जेन्युइन माँ बनती है, तो उसकी खुदा फितरत ही बदल देता है, खुदा उसकी सोच ही बदल देता है, और वो ऑटोमेटिकली बदल जाती है। क्या सब कहेंगे आमीन? जो कभी, जिन बहनों ने, बेटियों ने कभी बाहर कदम नहीं ना रखा था, माँ बनने के बाद बच्चे को उठा के लाइनों में लगी होती हैं, हॉस्पिटलों में, राशन की दुकानों में लाइनों में लगी होती है, काम करने के लिए जा रही होती है, गर्मी के अंदर उनके पसीने बह रहे होते हैं, वो गलियों में से कभी भी नहीं गुजरी थी, मगर औलाद की खातर उनको वो गलियां देखनी पड़ गई हैं। औलाद, माँ जब बन जाती है औरत, उसके बाद उसका जहन बदल जाता है, उसकी सोच बदल जाती है। इसलिए बच्चों को कहा है, अब उसकी तालीम क्या है, हो सकता है आपकी माँ आपको इंग्लिश तो ना सिखा सकती हो सकता है आपकी माँ रानी यूनानी ना सिखा सकती हो, लेकिन माँ जो सिखा देगी, वो अपने करेक्टर से, अपने मकाम से, अपने चाल चलन से जो सिखा देगी, यही उसकी तालीम है। मोसेस, तू फराउन के महल में रहता है, फराउन की बेटी ने तुझे अपना बेटा बना लिया है, फराउन तू शाही महल में रहता है, मूसा तू शाही महल में रहता है, तेरे लिए हर चीज मुयस्सर है, हर इलम तुझे दिया जा रहा है, हर चीज तुझे दी जा रही है, तुझे KFC चाहिए मिल रहा है, तुझे मैकडोनल्ड चाहिए मिल रहा है, तुझे बर्गर चाहिए मिल रहा है, तुझे कबाबची चाहिए, और तुझे मामा फूड चाहिए। मामा, मैंने क्या बोला, मामा फूड, मामा घर पे है उसका फूड, वो बेस्ट है, मुझे पता है आप इधर पहुंचे होंगे मार्केट में। आई लाइक मामा फूड, समझ लगे, तुझे जो चाहिए तुझे मिल रहा है, लेकिन एक बात याद रख मोसेस, उसने कोई अब्रानी नहीं सिखाई, उसने कोई यूनानी नहीं सिखाई, उसने कोई लतीनी नहीं सिखाई, उसने कोई ग्रामर नहीं सिखाई, उसने कोई इंग्लिश नहीं सिखाई, उसने अपने बेटे मूसा को एक ही बात सिखाई, तू अब्रानी है और यहोवा तेरा खुदा है, तुम मिस्री नहीं है, यू आर नॉट अ इजिप्शियन, यू आर द हिब्रू, यू आर द डिलीवरर, तू डिलीवरर पैदा हुआ, डिलीवरर, मखलसी देने वाला।
तू हम सबको छुड़ाने के लिए पैदा हुआ है, हम सबको सूद के नीचे पंसाने के लिए पैदा नहीं हुआ है। आप समझ लगी है? कितनों के बेटों ने पंसाया हुआ है, किसी ने माँ पे केस किया, किसी ने भाई पे केस किया, किसी ने बहन पे केस किया हुआ है, किसी ने बीवी पे केस किया हुआ, किसी ने शोर पे केस किया हुआ है। तुम डिलीवरर नहीं हो, तुम डिलीवरर नहीं हो, तुम पंसाने वाले हो। लेकिन मोसिस बचाने वाला था। मूसा, खुदा ने तुझे डिलीवरर पैदा किया है और तुझे देख शैतान के घर में तुझे तरबियत मिल रही है और खुदा ने उसका बंदोबस्त किया। मुझे बताएं, उसके लिए कोई भी दाइया हो सकती थी, उसकी दाई कोई भी हो सकती थी। महल में बहुत औरतें थी, मिस्री बहुत औरतें थी। यस तो बोलो, है थी ना, बहुत सारी थी, कोई भी आ सकती थी। मगर खुदा ने उसकी माँ का बंदोबस्त क्यों किया? क्योंकि खुदा को पता था कि इसकी माँ जो इसे तलीम देगी, ये उससे बूढ़ा होकर भी नहीं फिरेगा। अपनी माँ की तालीम को, ओए मेरी माँ को क्या बताया, मेरी माँ ने क्या मुझे बताया, मेरी माँ चुप कर जा, ऐसी बातें करके तू खुदा के खिलाफ बात करता है। जो तुझे दुनिया में ले आई है यही बहुत बड़ी बात है। क्या सब कहेंगे आमीन? तो उसकी माँ मूसा की माँ उसे क्या देती थी, तालीम देती थी कि तू क्या है, हिब्रू है, और तू क्या है, डिलीवरर है, और तू क्या है, छुटकारा देने वाला है। यहाँ तो तेरी परवरिश हो रही है, परवरिश कहीं हो रही है, तालीम कहीं से मिल रही है। माँ का बंदोबस्त किया गया है, माँ का इंतखाब भी किया गया है, क्योंकि खुदा को भी पता है कि माँ से अच्छी यूनिवर्सिटी, माँ की गोद में तालीम ले ले 16 साल, तू सिगरेट पे लग गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ये जब इधर उधर से तालीम लेते हैं फिर सिगरेट पीनी शुरू होते हैं। माँ की गोद से तालीम ले ले, अगर तू शराब पे लग गया तो मुझे पकड़ लेना। ये तो बाहर से तालीम मिलती है, माँ तो कभी भी ऐसी तालीम नहीं ना देती, बाप भी नहीं देता है। तो बाहर से जेन्युइन माँ कभी नहीं देगी। अब ये मुझे उनकी मिसाल नहीं देना जो गलत माएँ हैं, मैं जेन्युइन माँ की बात कर रहा हूँ। मैं उनको माएँ नहीं समझता, वो माओं के नाम पे दफा हैं। असल माँ तो वो है जो अपने बच्चों को अंजील की तालीम देती है। असल माँ वो है। क्या सब कहेंगे आमीन? क्या सब कहेंगे हालेलुया? मुझे बताएं, सैमुअल की माँ ने सैमुअल को यूनिवर्सिटी में भेजा, या माँ सुबह 5 बजे उठती है स्कूल भेजने के लिए और चर्च में भेजने के लिए और आने के लिए टाइम अपना चेक कर लो। मेरे बेटे ने स्कूल जाना, छुट्टी नहीं होनी चाहिए, नहीं फीस भी पूरी पड़ी। आज क्या, आज मिस ने बोला 500 रुपया लेकर आना, ये करना है, आज मिस ने बोला ये करना है, आज टैलेंट डे है, आज फूल डे है, आज फला डे है, आज फला डे है, आज फला डे है। कभी किसी स्कूल में कहा गया है कि आज इतवार का दिन है और आज अपने खुदावंद के पास जाओ? ये माँ की ड्यूटी है, माँ की। बेटा जैसे टैलेंट डे पर जाना है वैसे संडे स्कूल जाना है, ये माँ की जिम्मेदारी है। इसीलिए नबी ने कहा कि माँ पांचवी जो चारों अंजीलों की तरफ लाती है। तो हन्ना ने अपने बेटे को चाहिए था ना, अमीर थी, गरीब नहीं थी, अमीर थी। पहले इसको मंटेसरी में करो, गुड शेपर्ड में, गुड शेपर्ड की तालीम बड़ी अच्छी है। ओए पहले इस गुड शेपर्ड के पास लाओ जिस गुड शेपर्ड के बारे में बाइबल कहती है, यीशु मसीह ने कहा अच्छा चरवाहा। समझ लग गई है? वो सीधा सैमुअल को कहां लेकर गई, हैकल में लेकर गई। क्या सब कहेंगे आमीन? तो खुदा प्रस्त माँ जो होगी वो अपने बच्चे को बाइबल मुकद्दस की तालीम देगी। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज मदर्स डे है और तमाम माओं के लिए यही मैसेज है कि अपने बच्चों को यीशु मसीह के बारे में सिखाएं। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू, लेट्स प्रे।